हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज है वेंसडे 7th of April। हम लोग घर से निकले हैं सुबह 6 बजे निकले हैं और अभी हम फतेहाबाद पहुंचे हैं। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे लगे हैं। बेसिकली हम लोग अपने ननिहाल जा रहे हैं और हमारा 10 दिन का ये पूरा टूर है। और इस पूरे टूर में, टूर मतलब इन द सेंस कि हम ननिहाल के यहाँ पे 10 दिन रहेंगे और 10 दिन अब मैं आपको गांव की पूरी लाइफ दिखाऊंगा, पूरी सारी तमाम चीज़ें। अभी मैं यहाँ पर हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ फतेहाबाद, और फतेहाबाद का ये आउटर रोड है जो NH9 है, ये जो कनेक्ट करता है। अभी हम लोग ढाबा में रुके हैं, ये स्वामी ढाबा है यहाँ पे, और यहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा 2 से 2.5 घंटे का सफ़र रह जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने ननिहाल पहुँच जाएंगे। और इन बिटवीन जो भी रहेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, जिस दिन जो भी रहा, जहाँ पे भी जिस जगह पर हम रहेंगे, सारे के सारे व्लॉग्स जो आप तक पहुँचाऊँगा मैं। हमारी जर्नी सुबह 6 बजे शुरू हुई थी और रास्ते में हमने कुछ एक शॉट्स मैंने लिए हैं और वो आप इंजॉय करिए। और ये फिलहाल तो अभी तो जस्ट हम जर्नी ही कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे का व्लॉग मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो देखते हैं इस होटल में क्या कुछ है, स्वामी ढाबा में क्या कुछ मिलता है। मैं तो पहली बार आया हूँ, अभी धूप भी बहुत चिलचिलाती धूप है और आंखों में पड़ रही है। जब घर से चले थे ना सुबह तो मौसम काफ़ी ठंडा था, रात को बारिश वगैरह भी हुई और आपने मेरा प्रीवियस एक शॉर्ट्स भी देखा होगा जिसमें मैंने अंधेरी दिखाई है, डस्टी स्टॉर्म दिखाया है। चलिए फिर अब हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं इसके बाद और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सुबह के कुछ क्लिप्स हैं वो भी देखिए, इंजॉय करिए व्लॉग को, और रास्ते में जो जो चीज़ें मिलेंगी वो सारी सारी मैंने जो कैप्चर की हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। स्वामी ढाबा, ये बेसिकली फतेहाबाद के आउटर पे है, सिरसा रोड है, यहाँ पर सिरसा रोड है, तो NH9 है ये, तो इस तरह से आउटर इसका एरिया है। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, चलिए बाद में देखते हैं। ये स्वामी ढाबा का बाहर का व्यू है, चलिए अब अंदर चलते हैं। भाई अगर फूड की बात करें ना, स्वामी ढाबा का फूड बेस्ट है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पराठा वगैरह ऑर्डर करवाए थे,
चाय भी हमने ऑर्डर करवाई, चाय का तो वाकई में कोई जवाब नहीं था, और जो मसाला था मसाला पापड़ डिलीशियस। चलो मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ अभी, देखो ये सामने इधर बैठने के लिए भी जगह बनी है भाई, और ये जो भी ठंडा वगैरह है सामने, कैडीज वगैरह ठीक है इस तरह से, और सामने चिप्स वगैरह, वो फैमिली हॉल है ये वाला, फैमिली हॉल है, फैमिली वाले बैठ के खा सकते हैं यहाँ पर, अगर बाहर बैठ के खाना तो बाहर बैठ के खा सकते हैं। ये सामने किचन है राइट, तो ऑलमोस्ट मेरे साथ यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी हैं, और उनसे मिलवाता हूँ। हेलो, ये यहाँ के ऑनर हैं, क्या नाम है आपका? मोहित सर। मोहित, तो कब से आपका ही हो? सर नियर अबाउट 4 years हो गए। फूड वाकई में बहुत अच्छा था, अगर पॉइंट्स की बात करें तो हम 8 में से आपको 8 में से 7 पॉइंट जरूर देंगे। वेरी नाइस फूड, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा फूड हमें सर्व किया है, और क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी बेस्ट है राइट। तो कभी भी अगर NH9 में कहीं जब आपका आना हो तो दिस होटल इज विल बी योर फर्स्ट चॉइस राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट हम कौन कौन से व्यू देखते हैं। गाइज ये था छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए, बस मैं आपको यही बताने के लिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया कि मैं अभी मेरे ननिहाल में हूँ, अगले 10 दिन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होंगी मैं उसके भी व्लॉग्स बनाऊंगा, और छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आएंगे आपके पास, और नई नई वीडियोज़ आएंगी आपके पास, दिखाऊंगा आपको। पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ थी उसमें मैंने आपको पैडी सीज़न दिखाया था, इस बार मैं आपको वीट का सीज़न दिखाऊंगा किस तरह से खेतों में लगता है। तो चलिए अब हम इसी इन्हीं शब्दों के साथ अपना इस व्लॉग का एंड करते हैं, वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, और आप देखना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो इनक्रेडिबल हरियाणा की ये सीरीज़ है यू नो, और इस तरह से आपको नए नए व्लॉग मिलते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे ट्यून्ड।